नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। महाशिवरात्रि की दमोह नगर में धूम। मुंडन कार्यक्रम के दौरान मधुमक्खी ने किया हमला, 40 से अधिक घायल जिला अस्पताल में दाखिल। मां ने अपने दो बच्चों के साथ किया यूरिया का सेवन, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। सरपंच की स्कॉर्पियो टकराई डिवाइडर से। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे अपराध जगत की। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत स्टेशन चौक के समीप एक विवाद हुआ, जिसमें दो युवकों के ऊपर चाकू से हमला किया गया। मामूली रूप से उन्हें चाकू लगा था, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया था। उपचार के बाद उन्हें छुट्टी भी दे दी गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कुछ युवक एक समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। इसी बीच जब वह पहुंचे तो वहां कुछ विवाद हो गया, इसी विवाद में ये चाकू चले हैं। चाय पीने गए थे, शादी में आए थे पथरिया से, तो सर ऐसा हुआ कि हम लोग गए थे चाय पीने, थोड़ा सा टाइम लग रहा था शादी में, इसलिए चाय पीने आए थे। कोई बात नहीं हुई थी। हम लोग आए सर, वहाँ पे खड़े थे चाय पी के, हम लोग गाड़ी से जाने लगे तो वो लोग आए, उन लोगों ने गाड़ी को मतलब गाड़ी को रोका, उसकी चाबी छीनी, उसके बाद उन्होंने गाड़ी छोड़ी हम लोग की। दीपक के लिए जानते हैं, उन लोगों ने हम लोग को बहुत मारा है, हमें भी इसको लोगों ने इसको मारे गाड़ी की चाबी मारी है, मारपीट की। क्या नाम है आपका? आदित्य सर। कहाँ की घटना है सर? ये वो स्टेशन के पास की। आप लोग कहाँ जाए सर? हम लोग पथरिया गए। इकाई में आए, कहाँ आए थे आप लोग सर? शादी में आए थे। कहाँ पे शादी? सर एक दोस्त की शादी थी यहाँ पे, क्या बोलते, अरे बड़ी बेबी के। कौन कौन है ये? कितने लोग हैं सर? बहुत 20-25 लोग थे, हम लोग पता नहीं सर कौन है सर। हम दीपक के लिए जानते हैं, नितिन को लिया। पुलिस के द्वारा मामले में जाँच की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह जिले के हट्टा थाना अंतर्गत कंजरा मड़िया से एक मामला सामने आया, जहां पर एक महिला के द्वारा एक कदम उठाया गया, काफी दुखद कदम उठाया गया। महिला के द्वारा स्वयं भी यूरिया को पिया गया, साथ ही बच्चों को भी यूरिया पिला दिया गया। दो मासूम बच्चों को भी यूरिया पिलाया गया। महिला को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल लाया गया, बच्चों को भी दाखिल किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। परिवार के लोगों को नहीं पता कि क्या कारण रहे हैं, क्योंकि परिवार के लोग खेती का काम देखने के लिए खेत पर मौजूद थे, घर पर नहीं थे। क्या खा लिया आपने? बच्चों को क्या हो गया? बच्चों को क्यों, क्या हो गया था? कुछ नहीं। गर्भवती हूँ आप? हाँ। कितने महीना हो गए? नौ। क्या हो गया था? दवाई क्यों खिला दी बच्चों को और आपने क्यों खा ली? क्या परेशानी थी? क्या परेशानी थी बताइए। क्या हुआ था? कितने बच्चे हैं आपके? क्या नाम है इनका? पति का नाम? कहाँ की रहने वाली हैं? किसने? मम्मी ने? उनकी और का मम्मी ने तीला इन बच्चों में प्यार आई। क्या कारण थे? कारण को सर हमें नंदे मालूम, हम कहाँ रह गए थे, किसानी को काम लगो हम। कौन से गांव का है? किस गांव की? थाना कौन सा लगता? आपका नाम क्या? मधुबाली। आप कौन हैं इनकी? और वो गर्भवती भी है क्या? हाँ। कितने महीने से? अब आखिरी महीना चला ना, वही महीना। एक महीना और ठीक। कितने बच्चे हैं? ये दो ही। क्या नाम है इनकी? आस्था सरगा। पति का नाम क्या है? राकेश। पूरा नाम? राकेश सिंह। किस बात को लेकर हुई है घटना? किस बात को लेकर घटना हुई है बताइए ना। क्या पी लिया है?
संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोनगर के उमलाई के समीप माता मंदिर में आज मुंडन कार्यक्रम था। इसी बीच खाना बनाया जा रहा था, अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें 40 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि यहां जो मुंडन कार्यक्रम चल रहा था, एक पेड़ के नीचे खाना बन रहा था, ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। इसी बीच मधुमक्खियों ने हमला किया तो 40 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 की स्थिति गंभीर है, जिसमें एक मासूम भी शामिल है। बस जी मछली नहीं पड़ पा रही, कछ वो ही नहीं पा रहा है। आए तो का हो रहा, तू खाना बन रहा है? हाँ, फिर बस भी तो एकदम से नहीं पड़ पा रही, था तो तेरी सब छोड़ के भाग ला। कितने जन हैं? कितने जन हैं? 50 जन हैं। सब सब बोल के भाग ला। सब सब का नाम है भाई? आप आपको नाम भैया? हमारे तो कछु जाना नहीं, नहीं नहीं कोई ऐसी हमारे डर लगा था। हमारे कोई अपराध थोड़ी करवा आपने? हमारे घर के लोग घर हैं, हमारे बस है, हमारे तो जो लगा था ठीक हो जाए। माता राम ठीक हो जाए? कब ठीक हो? क्या हुआ है? बहुत मक्खी लगी थी उधर भंडारा में, गए थे हमारी चाची को काट लिया, हमारे बब्बा के लिए और सब जनों के लिए जितने रिश्तेदार घर के। करीब कितने लोग हुए? 50। किस चीज का भंडारा था? मुंडन का। किस जगह की घटना है? इधर जो माता है, इमलाई के इधर माता है। कौन सी माता है? ये नहीं है हमारा मालूम, हम तो अपने दोनों पटना के हैं, हिंडोरिया के पास है। आपको भी काटा है? हाँ, हमको भी काटा। कौन बब्बा को काटा हमारे? किस चीज का भंडारा था? मुंडन का, पूरी उड़ी करी या चढ़ी थी और सीमा दीदी हम लोग को काट लिया, फूफा लोग जो चाचा हम लोग हूँ और हमको भी काटा कान में। हमारे पापा से ज्यादा सीरियस। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दबाव। दमनगर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। हथगोला लिए एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि बीती रात एक युवक दमोह के धर्मपुरा में उत्पात मचा रहा था, जिसे पकड़ा गया, जिसके बाद तलाशी ली गई तो उसके पास एक देसी बम बरामद हुआ है। युवक को गिरफ्तार किया गया, न्यायालय में पेश किया गया है। सर, हथगोले लिए एक युवक को गिरफ्तार किया गया, क्या बोले? कल दिनांक 17/2/2023 थाना कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि धर्मपुरा कलरी के पास में कोई एक व्यक्ति है जो तोड़फोड़ कर रहा है और अपने पास में अवैध सामग्री लिए हुए, जो मुखबिर की सूचना पर पुलिस तत्काल रवाना हुई और वहाँ पर जाकर पुलिस ने देखा तो एक व्यक्ति उसको देख पुलिस को देख के भागने लगा। जो उसको पकड़ा तो वो व्यक्ति है, वो पूर्व लिस्टेड अपराधी है, हसने उर्फ गंजा कसाई मंडी का, जिसमें पूर्व से दर्जनों अपराध पंजीबद्ध हैं। जब उसकी जामा तलाशी ली गई तो उस पर एक हथगोला, देसी हथगोला मिला, जो हथगोला जब्त किया गया और वैधानिक कार्रवाई करते हुए गंजा कसाई को गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय पेश किया गया। तो कैसर के विरुद्ध कोई ऐसी कार्रवाई करवाई जाएगी? तक यह कार्रवाई के बाद जो भी और भी कार्रवाई जिला उधर NSA ये कार्रवाई के लिए भी प्रोसीजर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए और जल्द ही जिला उधर NSA कार्रवाई इसके विरुद्ध की जाए। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज, सभा। फसल आने के बाद कटाई का काम चल रहा है, खेतों में लगातार कटाई चल रही है। इसी बीच एक किसान को सांप ने काट लिया। बताया जाता है कि वह सोयाबीन की कटाई कर रहा था और उसके बाद उसके द्वारा फसल को इकट्ठा करके रख दिया गया था। जब इकट्ठा हुई फसल को उठा रहा था, तभी नीचे कोई सांप था, जिसने किसान को अपना निशाना बनाया। जिला अस्पताल में किसान को दाखिल करा दिया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। कहां के रहने वाले हैं? क्या हुआ है आपके साथ? सांप ने काट लिया। कैसा काट लिया? गलिया को अंदर आए थे।
आपने देखा था सांप? हाँ। कौन सा सांप था कुछ मालूम? वो छिपा था उसमें, काला सांप था, छिपा था सब। तो कहाँ काटा है आपको? उंगली में। चल, निशान वगैरह कुछ आया नहीं? हाँ। क्या करते हो आप? मजदूरी करते हैं। किसके यहाँ कर रहे थे मजदूरी? हमारे ठेका लगे। क्या नाम है आपका? पूरा नाम? कहाँ के रहने वाले हैं? कब की घटना है ये? आप अकेले ही काम कर रहे थे और भी कोई साथ में? अच्छा, उन लोगों ने भी आपको देखा होगा? संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज। महाशिवरात्रि के पर्व दो में धूमधाम से मनाया जा रहा है। जहां बारातें निकाली जा रही, वहीं मंदिरों में सुबह से ही भारी भीड़ नजर आ रही है। दमोह के श्री सिद्धेश्वर जनशंकर धाम में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ रही। भक्तों का तांता यहां पर लगा रहा। हजारों लोगों के द्वारा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया और उनके दर्शन करके जीवन धन्य किया गया। हम आपको बता दें कि इस समय शिव मंदिरों में विशेष पूजन अर्चन चल रहे हैं, विशेष भीड़ भी दिखाई दे रही है। भगवान भोलेनाथ की शादी का उत्साह संपूर्ण नगर में नजर आ रहा है। भगवान की जय। समस्त दमोवासियों को सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रात्रि में भगवान भोलेनाथ और पार्वती का विवाह संपन्न किया जाना है। और इस उपलक्ष्य में आज सुबह से पार्थ रुद्र निर्माण किया गया है और रात में इनका पूजन किया जाएगा। इसके साथ साथ भक्त लोग माता पार्वती का कन्यादान करेंगे। इसके बाद पाव पखराई का जो कार्यक्रम होगा उसमें भी शामिल होंगे। तदुपरांत रात में करीब 1 बजे से 4 बजे तक नमक चमक के साथ भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक किया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग शामिल होंगे। यह पहला अवसर है कि जिसमें आज बहुतायत में लोग आएंगे और सैकड़ों जो गोबर बने हुए हैं पार्थ शिवलिंग के, उस पर पूजन के लिए बैठेंगे और धार्मिक लाभ अर्जित करेंगे। इसके साथ साथ आप सब जानते ही होंगे कि हमारे यहाँ भंडारा भी किया जाता है, जो आज विशाल भंडारा है, जिसमें समस्त नगर के लोगों को आमंत्रित किया गया है। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप लोग आएँ और इस भंडारे में शामिल होकर धार्मिक लाभ प्राप्त करें और पुण्य के भागी बने, प्रसाद ग्रहण करें और भगवान का यह प्रसाद दूसरों को वितरित करने में सहयोग करें। ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। चलो बढ़वाएंगे, थोड़े जल्दी जल्दी उड़िए बढ़वाएंगे। चलो चलिए बैठे, चलो बड़ा चलो चलो आगे चलो चलो बढ़वा लाइन में बीच में कोई चलो जल्दी जल्दी
संजय सरवरिया, लखी डीसी न्यूज, दबाव। खबरों में हम बात करते हैं श्री सिद्धेश्वर जागेश्वरनाथ धाम बादकपुर की, जहां पर सुबह से ही लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे। बताया जाता है कि लगभग 1.5 लाख से अधिक भक्त दोपहर लगभग 3 बजे तक दर्शन कर चुके थे। हजारों भक्तों की संख्या अभी भी यहां पर मौजूद है। काफी लंबी लंबी कतारें देखी जा रही। सुबह 4 बजे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल एवं मध्य प्रदेश बियर हाउसिंग कारपोरेशन के चेयरमैन राहुल सिंह के द्वारा यहां पहुंचकर पूजन अर्चन किया गया। केंद्रीय मंत्री के द्वारा विशेष पूजन यहां पर किया गया और खुशहाली की कामना की गई। भगवान शिव की रात्रि ही महत्वपूर्ण है। मेरे आराध्य परम पूज्य श्री जी कहते थे कि 9 रात्रि माँ की और 7 रात्रि पिता की। हम सब का सौभाग्य है कि आज हम सब उनके दरबार में अपनी हाजिरी भी लगा रहे हैं। उनसे मैंने प्रार्थना भी की है इस क्षेत्र का, राज्य का, देश का और पूरी दुनिया का। उन सब पर कृपा करें, हम सभी शांति भाव से अगली शिवरात्रि उनके चरणों में फिर से अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। मैं सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर दमो कलेक्टर एस कृष्ण चेतन, पुलिस अधीक्षक दमो राकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। हिंडोरिया से रहीस खान की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर दमो नगर के पुराने थाने से भगवान शिव की बारात निकाली गई। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बड़ी संख्या में युवा शामिल रहे। युवाओं में खासा उत्साह दिखा। भगवान भोलेनाथ की शादी है, ऐसे में दमो से ये बारात बानकपुर तक निकाली जाती है।
संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह के श्री राम मंदिर में भगवान शिव के परिवार की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंचे, जहाँ रात्रि के समय यहाँ पर धार्मिक गीत कार्यक्रम था, तो वहीं सुबह यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न हुआ। महान पर्व पर दमोह के 400 साल प्राचीन पेशवाकालीन शिव मंदिर में, श्री राम मंदिर में भगवान श्री शिव के नवीन मंदिर का लोकार्पण यहां पर किया जा रहा है विभिन्न संतों की उपस्थिति में। आज इसकी पूर्व संध्या पर भजन संध्या आयोजित की गई। इस भजन संध्या में आकाशवाणी के कलाकार श्री प्रदीप अग्रवाल, श्री बलिराम पटेल, श्री नर्मदा चौरसिया, शरद असाठी, शिवा पटेल, महेंद्र पटेल, सभी कलाकारों के द्वारा, जय कुमार जैन, यहाँ पर बहुत सुंदर प्रस्तुति देकर भगवान शिव की आराधना का क्रम है। और कल सुबह 10 बजे से पार्थिव शिवलिंग निर्माण, असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण, परम पूज्य देव प्रभाकर शास्त्री जी और गुरुदेव जय सरकार की विशेष कृपा, छोटे सरकार राम अनुग्रह दास जी की कृपा से प्राचीन श्री राम मंदिर में समस्त ये धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहेगा, जहाँ पर सारे दमोह जिले और शहर के भक्तगण प्राचीन राम मंदिर में शिव जी की आराधना करेंगे और महाशिवरात्रि के पर्व में श्रद्धा सुमन शिव जी के चरणों में समर्पित करेंगे। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह नगर के श्री सिद्धेश्वर जटाशंकर धाम से भव्य बारात निकाली जाती है। बरसों पुरानी ये परंपरा रही है। दमोह में आज भी भव्य बारात निकाली गई, हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल थे। खास बात यह थी कि महिलाएं भी इसमें बड़ी संख्या में शामिल रहीं। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जगह जगह इसका स्वागत किया गया। दमोह नगर में 52 स्थानों पर इस बारात का स्वागत किया गया। काफ़ी अनोखा स्वागत किया गया, सभी के द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया, तरह तरह से बारातियों का स्वागत किया गया। पंडित मोनू पाठक की मौजूदगी में ये बारात निकाली गई।
संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दबाओ। पटेरा में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पुलिस थाना परिसर हनुमान मंदिर में सुबह शिवलिंग निर्माण कर अभिषेक किया गया। भगवान शिव की विशाल भव्य बारात निकाली गई। पटेरा के मुख्य मार्गों से बारात गुजरी। बैंड बाजे डीजे की धुन पर जमकर भक्त झूमते और नाचते नजर आए। बारात पर फूलों की बारिश की गई। हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। बटेरा से विकी तामगा के साथ विजय तामकार की रिपोर्ट। बटियागढ़ में स्थित जुड़ी नदी किनारे ऐतिहासिक मराठा कालीन शिव मंदिर में शिवरात्रि के पावन अवसर पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। मेले का भी आयोजन होता है। यह मंदिर मराठा कालीन राजाओं के द्वारा निर्मित किया गया था। बड़ी संख्या में दुकानदार भी यहाँ पर अपनी दुकानें लगाए नजर आए।
बटियागढ़ में प्राचीन कालीन एक शिव मंदिर है जो मराठों ने बनवाया था, और इतनी सुंदर जगह है कि मंदिर के बाजू में एक पीपल का वृक्ष है, जूड़ी नदी निकली हुई है, चारों ओर का वातावरण बहुत ही रमणीय है और पर्यावरण के अनुकूल है। और प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के दिन इस मंदिर की उपलक्ष में, इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की याद में 14 दिन का शिवरात्रि का मेला लगाया जाता है, जो कि कम से कम सैकड़ों वर्षों से, जैसा हमारे बुजुर्गों ने बताया है, सैकड़ों वर्षों से यह मेला यहाँ पर लगता आ रहा है। हालांकि आज की स्थिति में हर चीज़ उपलब्ध हो जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, नगरीय क्षेत्रों में भी, तो मेला उतना विस्तृत रूप में नहीं भर पाता है, परंतु आज भी 15 दिन का मेला प्रतिवर्षानुसार, अपनी परम्परानुसार लगता आ रहा है। और नए नए आइटम, हिंडोला और ब्रजेश रामलीला, सरकस, अन्य कर्तव्य दिखाने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। तो हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि इस महाशिवरात्रि के पर्व पर एकाध बार आप लोग बटियागढ़ के शिव मंदिर में जरूर पधारें, यहाँ की प्राकृतिक छटा को निहारें। नदी किनारे मनोरम शिव जी का मंदिर बना हुआ है, ब्रह्मदेव जी वहीं विराजमान हैं, पास में एक बावली जो चौपरा के नाम से जानते हैं, शुद्ध पानी का, पीने का पानी 24 घंटा वहां उपलब्ध रहता है। तो शिवालय में भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। बटियागढ़ से अनु खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गढ़ाकोटा में महाशिवरात्रि की धूम में श्री बाबा पशुपतिनाथ के दरबार में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। नदी पार बाबा पशुपतिनाथ जी के मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर नवदुर्गा संकट मोचन समिति के द्वारा शिवलिंग निर्माण किया गया, रुद्राभिषेक किया गया। रात्रि के समय पशुपतिनाथ जी का त्रिकाल अभिषेक, हवन एवं पूर्ण आहुति की जाएगी। भंडारे का भी आयोजन किया गया। और शंकर जी दसों दिशाओं में है, स्वर्ग में भी शंकर है। सती पार्वती नाम महानाम शीतलाकाली महाकाली गंगाली भूत प्रेत गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह के कलेक्ट्रेट के समीप एक स्कॉर्पियो वाहन डिवाइडर से टकरा गया, जिसमें कुछ लोग घायल होने की सूचनाएं। बताया जाता है कि ग्वारी सरपंच स्कॉर्पियो लेकर दमोह आए थे, रात्रि के समय कुछ युवक इसे लेकर गए हुए थे। कैसे घटना घटी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। घटना काफी बड़ी है, पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस के द्वारा मामले में जाँच की बात कही गई है। ये सरपंच दुआरी सरपंच की गाड़ी। क्या नाम उनका? रोहन भाई। कैसे हो गया एक्सीडेंट, क्या हो गया? अब ये तो ड्राइवर से पूछना पड़ेगा। कितने लोग थे गाड़ी में? अब ये नहीं मालूम, हम लोग लगन में आए थे तो हम लोग लगन बचवा रहे। अच्छा, और ये लोग मालूम नहीं, ये लड़के लोग कहाँ लेके आए? ये भी लगन में लेके आए थे गाड़ी? क्या लगन में ही आए थे तो अब पीते खाने निकले, चाहे जो कुछ। कौन चला रहा था? कोई एक लड़का चला रहा था। लगन कहाँ पर लेके आए थे? यही आए थे अपन पटना बैल की। अच्छा अच्छा, क्या नाम आपका? हमारा नाम चंपा लाल। आप कौन है? कुछ नहीं, गांव बस्ती वाले हैं हम लोग, गांव साथ वाले हैं। ठीक है भाई।
संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। महाशिवरात्रि की दमोह नगर में धूम। मुंडन कार्यक्रम के दौरान मधुमक्खी ने किया हमला, 40 से अधिक घायल जिला अस्पताल में दाखिल। मां ने अपने दो बच्चों के साथ किया यूरिया का सेवन, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। सरपंच की स्कॉर्पियो टकराई डिवाइडर से। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।